तीसरा दिन है आज। परेशान हूं मैं, माननीय आदरणीय योगी जी, भूपेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जांच रखनी है तो रखिए, मुझे बुलाइए, मैं आपको सारे प्रूफ वहां दे सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे चीप हरकत नहीं कर सकती कि कुछ कुछ भी ऐसा प्राइवेट चीज़ वायरल, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है, मैं नहीं कर सकती। मुझे चीट किया है सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने, धोखा दिया है, खेला है मेरे भावनाओं से, इमोशंस से। मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छी उसकी बॉन्डिंग थी, इसलिए मैं उसको हमेशा माफ़ की, हमेशा माफ़ की, कितनी बार करूँ, लेकिन अभी मैं भी खुद भी थक गई हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अभी। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा कि पुनीत त्यागी के मित्र विधायक साहब और दो चार लोग मिलके मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, तीन दिन करोगे? मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, मेरा नाम सपना सपूर है, आप गूगल करिए, विकिपीडिया देखिए, मेरा पहले नाम, बाद में नाम, मेरी कास्ट, मेरा शादी, मेरा बच्चा, सारी डिटेल आ जाएगी, मेरी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब आ जाएगी। मैं कोई राह चलती महिला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत नाम है। मीडिया इतना मैनेज हो जाएगी तो बाद में क्या, उसके बाद क्या? और मीडिया, आप लोगों ने भी मैनेज नहीं होना चाहिए, आपके घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है क्या? चंद चीज़ों के लिए आप लोग मैनेज हो जाते हो, पता है, ये कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा, यही करो यही भुगतो, ऐसा हो जाएगा फिर। मेरी तो हाय लगेगी ही लगेगी, ऊपर वाले से भी थोड़ा सा डरो। डिनाई कर तो नहीं सकता पुनीत त्यागी, ना वो इंसान मेरे राइट लेफ्ट, मेरे जिंदगी में, मेरे को उसका शक्ल तक नहीं देखना, इतनी मुझे नफरत हो गई। कितने सपने दिखाए उसने, क्या क्या वादे किए, और मेरे साथ है, और साथ में दूसरी भी महिला के साथ है, और उस महिला ने और मैंने एक दूसरे से स्क्रीनशॉट शेयर किए एट अ टाइम। बाबू सो गए, बाबू उसको भी, बाबू सो गए, बाबू सेम मैसेज कॉपी पेस्ट, बाबू हम हमेशा साथ रहेंगे, सेम कॉपी पेस्ट, बाबू मैं मर जाऊंगा आपके बिना, सेम कॉपी पेस्ट सबको। नी त्यागी, मैंने तुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, तू खुद जानता है, डिसिप्लिन भी सिखाया तुझे मैंने, वरना तू वो शख्स है कि जब मुझसे सात सात घंटा वीडियो कॉल पे भी बात करता था तो तू सुसु करने जाता था, तो वीडियो कॉल पे मुझसे बात करते करते सुसु की आवाज़ आती थी, तो मैंने एक ही बार तेरे को टोका कि मुझे पुनीत ये पसंद नहीं है, ये चीप गिरी है, तो ये साउंड म्यूट करो और मोबाइल को उल्टा करो, ये चीज़ ठीक नहीं है। अरे एक तो 60 साल का आदमी, तुझे अकल नहीं है क्या? तूने चीपनेस का तो भरमार है, तू सेक्स का कितना भूखा है, तू एक टाइम पे, हाँ मेरी ही पहचान की 4-5 लेडीज के साथ लगा हुआ है, क्या है ऐसा भाई? और ऊपर से तू इतना वादे ये सब करके मेरे को बेवकूफ बनाया, तुझे ये, तू मुझे हल्के में लिया ना, मैंने तुझे आज मॉर्निंग में भी तुझसे मैंने बात की, तो तू बोल रहा है कि हाँ मैं उसके साथ ये किया, सोया उसके साथ, मैं 1.5 साल 2 साल से जो भी रिलेशन में हूँ। मैंने बोला फिर तू मुझे बता के, बताया क्यों नहीं, हट जाते हैं ना। तो बोले नहीं मैं खोने से डरता हूँ, मैं क्या बोला था पुनीत तूने, कसमें खाई थी कि मेरे दोनों बच्चों की कसम मर जाए वो अगर मेरा किसी भी महिला के साथ है, तूने आज भी कबूल तो कर लिया, क्योंकि उस महिला के पास तेरी सारी CCTV फुटेज है, सब कुछ है पुनीत, तू डिनाई कर नहीं सकता।
और मैं तेरे मेरे झगड़े में मैं नहीं किसी को इन्वॉल्व करना चाहती। जो तुझे बचाने के लिए अभी आगे पीछे घूम रहे हैं ना, मीडिया को सेट कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरा स्पेशल मैसेज है, आप मत आइए बीच में, वरना पुनीत ने मुझे आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल प्राइवेसी, जो भी गर्लफ्रेंड्स, महिला कार्यकर्ता, आप कहाँ स्पा कराने गए थे, किस सहारनपुर के किस स्पा वाली ने आपने उद्घाटन किया स्पा का, और किस स्पा वाली ने आपका मसाज करते हुए वीडियो निकाल लिया, और उसके बाद आपको क्या किया, ये सारी चीज़ें पुनीत ने मुझे बताई है। विधायक जी, थोड़ा थोड़ा डरती मैं ऊपर वाले से हूँ, इंसानों से नहीं, भगवान से। उठाना है उठाइए, कटाना है कटवाइए। आ रही हूँ आपके शहर, आ रही हूँ, और आपके शहर के घंटा घर के नीचे मैं और मेरा बेटा, हम माँ बेटे खड़े रहेंगे। चलो उठा के दिखाओ। और पुनीत ने कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड कोई खेरा खेरा नाम की, उसके लिए भी कहा कि वो तुझे उठवा लेगी, काफ़ी दिन पहले कहा था, बाबू उससे दूर रहना, वो अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट है उसकी, ये जो भी है। अरे बाबू अंडरवर्ल्ड के क्या डरेगी, सबसे बड़ा बोलते हैं डॉन है ना मुंबई पुलिस है भाई, ये गवर्नमेंट है, हमको नहीं डर लगता, हमको इंसानों से नहीं लगता, भगवान से ही लगता है, इसलिए मत करो। आपने जितना मेरा करना था कर लिया, आपने मेरे इमोशन से खेलना था खेल लिया, आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं आऊँगी स्पीकर के सामने, फ़ोन रख दूँगी। आप मुझे कह रहे हो ना बाबू आप अर्धांगिनी हो मेरी, बाबू मैंने आपको जिया है, आप मुझे लात मारो बाबू, आप मुझे पता है बात नहीं करोगी, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन आपके पैर पकड़ के मैं बैठा रहूँगा। ये सब चीज़ें तो सुना सकती हूँ ना पुनीत मैं, तो मुझे इस हद तक मत जाने दो, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम्हारे ऑफिस थे तो तुमने मुझे कह देना चाहिए था, क्यों तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि मेरी बीवी से 7 साल से संबंध नहीं है। मैं बोली भाई तू शादीशुदा है, मेरे से दूर रहे बाबा, दोस्त है, हाय हेलो रख, तुमने बोला नहीं प्यार करता हूँ मैं, दोस्त नहीं हूँ मैं, ये लाउड हो के तूने बोला, वो भी है खबरदार, जो मुझे दोस्त बोला तो मैं प्यार करता हूँ, भैंसे भैंसे तूने ये बोला है, और तुझे मैं भैंसा बोलती हूँ जिससे तू खुश होता है, मुझे लिखता भी है कि बाबू प्लीज मुझे भैंसा बोलो, तो मैं सार्वजनिक ऐसे बोल रही हूँ और वहां पर भी आके बोलूंगी भैंसा, कि मेरा बीवी के साथ नहीं है, तुम थोड़ी घर तोड़ रही हो, मेरा तो 7 साल से नहीं है, मेरा बस अभी 6 महीने में निपट रहा है, मैंने 10 लाख जज को खिलाए। पुनीत तेरी आवाज है यहाँ पे मेरे सेल पे, ठीक है याद रख, तू अगर एक्सेप्ट करके मुझे तभी बोलता जब तेरा हुआ अफेयर कि अरे हाँ तू तो गाइस ये सबको बाबू बोलता है ताकि ना कोई शक ना करे, क्योंकि एक मैसेज ये कॉपी पेस्ट मार के सबको चैट करता है ना, तो बाबू एक फिक्स वर्ड है इसका, तो ये मुझे तभी बोल देता तो मैं इसको तभी गुड बाय कर देती, लेकिन तूने बोलते ना मैंने तुझे 1 साल बाद तेरे को घास डाली, क्योंकि तूने मेरे टाइगर को, मैं डिनाई नहीं करूँगी, तूने मेरे टाइगर के लिए बहुत पॉजिटिव सोचा, वो छोटा है, वो तब तो 7 साल का था, अभी 9 साल का हो गया है, तब तो उसके लिए एक ब्रांडेड छोटी छोटी कार्स ऐसे ऐसे गिफ्ट भेजता था ना, और मेरे लिए रोज़ फ्लावर्स FMP के रोज़ फ्लावर्स भेजता था, तो 1 साल तक मुझे गुलाबों का गुलदस्ता भेजा है, तभी मैं इम्प्रेस हुई कि मेरे बेटे को और मुझे ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके बाद मैं इम्प्रेस हुई, और फिर उसके बाद मैंने तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये मत भूलना पुनीत, तू मत भूलना, वरना सिर्फ तू अपने घर वालों से पूछना तेरे में मेरे में कितना अंतर है। क्या कहा था मैंने कि तुमको मैं टाइम देती हूँ, मैं अभी तुमको रिप्लाई नहीं करूँगी, तुम्हें 125 किलो से 95-98 किलो तक आना है तभी मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी तुम्हारे प्रपोजल का, तो तुमने प्रॉमिस किया, जिम गए, डाइट किया, मुझे सब चीज़ें सारी चीज़ें प्रूफ भेजी है ना पुनीत, तो तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया, तुम मेरी सारी बात मान रहे थे,
तुमसे मैंने सामने से कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की, की ही नहीं, तुम साबित भी नहीं कर सकोगे। तुमने अपनी खुशी से जो हम माँ बेटे के लिए किया उसी का तो मैं गाना गा रही हूँ कि मैं डिनाई नहीं कर सकती कि तुमने किया है, जो किया है खुशी से किया है। मत भूलो यार, 7-7 घंटे हम लोग है ना वीडियो कॉल पे रहते थे। 7 घंटे किसे बोलते हैं पुनीत, 7 घंटे। उसके बाद तो दूसरी तीसरी जितनी एंट्री हुई, और तेरी पास्ट का तो चलो अफेयर चल ही रहा था, वो उसका भी तूने मुझे कहा कि गुप्ता के लिए कुछ बोलना मत, नहीं तो वो मंत्री कुंवर जो है वो कुछ भी कर सकता है, मत पंगे लो बाबू। ठीक है ना, मैं मंत्री जी से भी पूछूंगी, मेरे को जो करना है करो यार, मेरी जिंदगी से क्यों खेला तुम लोगों ने, क्यों? तेरे अगर 10 रिश्ते थे तो तू मेरे पास क्यों आया? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी, तू मेरा एक फैन था यार। और मुझे अच्छे से याद है कि जब तू अध्यक्ष बना था तो मैं तुझे विश करने के लिए जब वहाँ आई भी थी कार्यालय, वहाँ पे फोटोज भी हमने क्लिक किए थे, तो वो पोस्ट करने के बाद तूने 15 मिनट में मुझसे डिलीट करवाया, और तूने नाम क्या लिया कि बाबू प्लीज डिलीट करो मुझे। भूपेंद्र जी का लखनऊ से कॉल आया कि अब भी फोटो डिलीट करो, और संघ का फोन आया कि अब भी फोटो डिलीट करो। तो भूपेंद्र जी के पास इतना वक्त है कि वो पुनीत त्यागी की आईडी देखे, संघ के पास इतना है, और मैंने कौन सा ऐसा बिकनी पहन के आई थी वहां पे, मैं वो तक फोटो डिलीट कर दी। तू क्या खुद को साबित कर रहा है, मुझे डोमिनेट कर रहा है? अरे तू अपने कार्यकर्ताओं को अपना खुराक बनाता है। तूने ही मुझे कहा कि तू दोस्त घर के घर पे ऐसे तुम लोग करते क्या, तुम्हारे इतने कैसे रिश्ते हैं पुनीत? मतलब 10 मिनट का काम है निपटा के हम लोग चले जाते हैं। तू तो शुरू शुरू में मेरे से इतना फ्री बोला करता था, बाद में तू इन्वॉल्व हुआ, बाद में तुझे फीलिंग पता लगी, बाद में तू मेरे लिए रोया है, ये मत भूलना। बहुत कहानियां है पुनीत बोलने के लिए। शाम में आई ना, और मैं तो आऊंगी शाम में, वो भी आई ना जिसकी CCTV फुटेज में तू 500 बार उसके घर में गया, हाँ वहां पे ऑर्डर कर रहा मेरे लिए खाना बनाओ वो खाना बनाओ, जबकि वो बीवी किसी और की। तू क्या कर रहा था वहां? तेरी बीवी तो तेरे घर पे थी, मैं भी तेरी अर्धांगिनी तू समझता था ना, तो मैं यहाँ थी, तो तू वहां क्या करने गया था? और बोलता था उन दिनों, तू ये बोलता था उस अफेयर में था तो, बाबू मेरी बीवी ने मेरे पे मेरे पास ईडी का छापा पड़वा दिया, ईडी का छापा गिरवा दिया, मेरे सारे अकाउंट सीज करवा दिए मेरे बीवी ने, और मेरी बीवी ने 25 लाख का कुछ गमन किया, घोटाला किया। मेरे को तो गमन ही नहीं समझ में आता था, बाद में पता लगा घोटाला है, तूने ही बताया। फिर तूने ये बताया कि मेरी बीवी ने ये लेटर लिखा, पुलिस SHO सब लोग तेरे घर पे आए, वो लेटर तक तूने मुझे भेजा है पुनीत, वो तेरी बीवी पढ़ेगी याद रखना। मैं तो बोलूँगी तेरी बीवी को, अरे बुद्धि यूज कर, बुद्धि मार झापड़, हम लोगों के सामने उसको मार झापड़, प्यार के लायक नहीं है इसको, हर तरह का प्यार मिल रहा लेकिन वो लायक नहीं है। भैंसे थोड़ा तो आईने में अपने आप को देख ले, तो भी हमारा दिल बोलते ना पिघला, बच्चे के लिए दिल पिघला कि यार छोड़, बच्चे के लिए पॉजिटिव सोच रहा है, बच्चे के एजुकेशन के लिए मेरे को आगे सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है फ्यूचर में बच्चा बड़ा होगा तब तो जाने दे सपना, थोड़ा सेक्रीफाइस हो जाता है तो क्या है, होने दे सेक्रीफाइस। पूजा पाठ में वीडियो कॉल पे पंडित को बोलता था ये वीडियो पे ये मेरी अर्धांगिनी सपना है, तो मैं बोलती थी बे ये सब बात मत कर, मुझे अच्छी नहीं, पसंद नहीं लगती है, मेरे को सपना बोल। तू डिनाय नहीं कर सकता, याद रख तू बहुत पहुंची हुई चीज है, और ना मैंने तुझे सवेरे मौका भी दिया कि देख पुनीत अभी भी मौका है, सोच ले, कोई मैं एक्शन लूँ उससे पहले तू सोच ले, लेकिन तूने बुद्धि का जोर बोलते ना नहीं, तूने घुटने का जोर दिखाया, तेरा बुद्धि का नहीं दिखाया। ऊपर से मीडिया को तुम लोगों ने दबा दिया, कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना जिंदा, मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ ऐसी गंदगी वायरल नहीं कर दी है, डोंट वरी मैं करूंगी नहीं गंदगी, नॉर्मल पिक्स अलग बात है, गंदगी नहीं करूंगी। मैं आऊंगी वहां पे, तब जिन जिन को तुम लोगों ने बोले ना एनवलप देके बैठा है ना, उन सब से मिलूंगी। विधायक जी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़े भाई साहब है आप, ऐसा पुनीत बोलता है, बड़े भाई साहब है आप, तो
आप बीच में मत पड़िए, आप बीच में मत पड़िए, वरना मुझे आपको आपकी ही जो भी है चीज़ें वो माइक के सामने बोलनी पड़ेगी। याद रखना, मैं आपको क्लियर कह रही हूँ, आप हमारे बीच में ना पड़े, और ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, ना कोई MLA, कोई मत आओ बीच में। ये बोलता है ना, इसके बहुत दम है, देखते हैं ना कितना दम है। मैं नहीं डरती रे पुनी, पागल नहीं, मैं सिर्फ बच्चे का ख्याल करती हूँ। एक माँ हूँ ना, बच्चे के लिए थोड़ा दबके रहती हूँ ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ। बहुत रोली मैं, अब तेरी बारी है। लखनऊ तक जाना पड़े, लखनऊ में बैठ जाऊंगी, गेट पे अनशन करूंगी। क्या कर लेगा तू? तब तो योगी जी देखेंगे, भूपेंद्र जी देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य साहब, ब्रिजेश पाठक जी, ये सब लोग देखेंगे ना कि ये औरत सिर्फ इसी के लिए आई है। ये है कौन बंदा, ये महानगर अध्यक्ष कौन है, किस जगह का है, बुलाओ। तब मैं उनके सामने रखूंगी जो मुझे पक्ष रखना है। तू बहुत गलत किया तुमने, तूने मेरे से नहीं खेलना चाहिए था। पहली बात तो मेरे से या किसी औरतों से नहीं खेलना चाहिए, तूने मेरे इमोशन से खेला। और सबसे बड़ा, तूने मेरा कमजोरी पकड़ा, मेरा बेटा तूने पकड़ा। मैं टाइगर को बोलूंगी कि पुनीत अंकल ने क्या किया तेरे मम्मा के साथ, मतलब क्या किया, मतलब यही बोलूंगी कि तेरे मम्मा को ना उसने बेटा रुलाया, अभी उनका नाम मत लेना, तेरा नाम बहुत लेता ना वो। बोलूंगी, सच्चाई बोलूंगी, बड़ा होगा तो भी उसके दिमाग में भी रहना चाहिए कि माँ ने ना उसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, कैसे जी रही है। मैं खुद वहां पे, मुझे बुलाया जाएगा ना इंक्वायरी में, बोलूंगी है मेरे पास ये 2002 से मेरा ये घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है, ये मेरा फ्लैट है 2002 से, ठीक है। ढाई 3 करोड़ का फ्लैट 22 साल की उम्र में लिया है मैंने, पुनीत त्यागी, बाईस साल की उम्र में। सोचो तूने कि उस वक्त क्या मेहनत की होगी रे, मैं तो 15 साल की उम्र से मेहनत कर रही हूँ, तूने क्या मेहनत की होगी। मैं अच्छे इलाके में रहती हूँ, कोई चालू इलाके में नहीं रहती हूँ, कोई मैं अच्छे इलाके में रहती हूँ, है मेरा घर। तू क्या है बता, तू क्या बोल रहा है? मैंने सुना तू बोल रहा है कि मैं ये डिमांड वो डिमांड ऐसा वैसा, तू क्या कर रहा है भाई? तू कर कितनी, तुझे बदनामी करनी, प्रूफ दिखाने पड़ते ना, तब मैं सामने रहूंगी, ठीक है, मैं सामने रहूंगी। मैं अपना बेटे का फोटो दिखाती हूँ, तो क्या कुछ बोलने से पहले भी सोच लेना, क्योंकि तुझे सफाई देनी पड़ेगी। मैं इस हद तक नहीं आना चाहिए था, तूने मेरे साथ चीट किया है, बस दैट्स इट। ये देखिए, रोड छाप जगह पे नहीं रहती हूँ भाई साहब, रोड छाप जगह पे नहीं रहती हूँ। ये 2002 से, ये मेरा बेटा टाइगर, इसके लिए जीती हूँ, इसके लिए सेक्रीफाइस करती हूँ, इसका फायदा नहीं उठाना। तेरी भी बेटी है, तेरी क्या, बहुतों की बेटियां हैं, थोड़ा वो भी सोचो। अगर सोचेंगे कि ये बोल्ड एक्ट्रेस है, अरे बोल्ड एक्ट्रेस मैं हूँ, देखिए कैमरे के सामने, कैमरा ऑफ होते ही मैं बहुत एक साधारण लेडी हूँ, घरेलू लेडी हूँ। ये मेरी बिल्डिंग इतनी 24 साल से रह रही हूँ, ये खुद बताएंगे सब लोग, इसे दोबारा ऐसे मत करना। और मुझे किसी के नाम से फूल बिल देना, ये वो सब चीज़ें मत कर यार। तो कितनी आसानी से बोल दिया,
हाँ मैं गया, मैं सोया, मैं ये वो, या तो किसी औरत को बोलना चाहिए क्या? तभी बोल देता ना फिर, तभी बोल देता जब तूने मुंह काला किया था, तब बोल देता। और तेरी एक आदत भी, ये भी शेयर करूंगी मैं, जो भी मुझे क्वेश्चन करेगा, कि तू जिससे भी फिजिकल होता है, जिससे भी, तू उससे सेक्स कैसे करता है, ये तक तू मुझे शेयर किया है। और मैं रोई हूं, मैं बोला ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है, तू याद कर, गलत बात है, इतना इतना गुरूर नहीं होने चाहिए, 125 किलो की गोनी, इतना गुरूर मत रख। सहारनपुर के मीडिया वालों, मैं आऊंगी, आपको जो पूछना है पूछिए, लेकिन अगर आप सोच रहेंगे कि बहुत ही प्राइवेट वाले फोटोज ये वो मैं नहीं वायरल कर सकती ना कुछ, नहीं वो करना भी नहीं है, फितरत भी नहीं है वो सब नहीं। हाँ मुझे अगर लखनऊ बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, तो मैं वहाँ फीमेल ऑफिसर को दिखा दूंगी, या किसी अधिकारी फीमेल को, बाकी किसी को नहीं दिखाऊंगी। एक चीज़ याद रखना, तू डिनाई नहीं कर सकता है, कितना तू सवेरे गिड़ गिड़ाया, मैं फोन नहीं उठाती तो तू कितना 4 तारीख को रोया। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मैं फोन नहीं उठाती तो तू मर जाऊंगा बोलता है, उधर बोलते उधर वो फोन नहीं उठाती तो उसको मर जाऊंगा बोलता है, तू पागल है क्या? इतना दिन भर इतना तमाशा हुआ, उसके बाद तू सेम लेडी को बोल रहा है शाम के, अभी भी तुम सपना पे यकीन करती हो, आई लव यू बाबू, उसने बोला, अबे गाली दे के बोला होगा, क्योंकि वो धाकड़ ले रही है, उसने तेरे को बराबर बैंड बजाई कि भाई तेरी सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखी मैंने, तू मेरे यहाँ पे कितने बार आया है, ठीक है? तो शर्म कर यार, तू उसको भी इतने ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हमारा एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है रिलेशनशिप को लेके, उसमें तू ऐसे बोल रहा बहन से, और मुझे यहाँ बोल रहा है वो झूठी है, वो झूठी है, वो XYZ कीप है, हिंदी में जो बोलते हैं वो शब्द है। तो अरे जिस महिला से तेरी दोस्ती, उस महिला का खाके ना बुराई नहीं करते हैं, ये कर्मा फिर बोलेगा, क्योंकि तुझे भी बच्चे हैं, तो जीते जी बच्चों की कसम खाया, मेरे पास तो वो भी है। क्या क्या है क्या नहीं है, तूने क्यों इस सिचुएशन पे ला दिया, तूने तेरी एक ठरकने दे के रिश्ते को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 10 दिन पहले मेरे लिए तू रो रहा था ना, मैं फोन नहीं उठाया, आज देख तू नहीं रहे, तूने तूने ना स्पॉइल कर दी रहे, मेरी भावना से खेला, मैं सच में तुझे पसंद करने लगी, इसलिए थी रिलेशन बनाई थी कि मेरे बेटे के लिए कर रहा है, मेरे बेटे के लिए कर रहा है, इसलिए, वरना भैंसे मेरी साइज की चार, तेरे तू चार खड़ी होगी तो तू अकेला दिखेगा भैंसे। तुम मेरे को भी मेरे को भैंस बोला, मैं तुझे भैंसे भैंसा बोली, ले मैं भैंस तू भैंसा, हंस रहा था ना इस बात पे, तू खुश है खुश, लेकिन तेरे विधायकों को बोल दूँ प्लीज बीच में मत आइए, निवेदन है योगी जी से, भूपेंद्र जी से, संघ वालों से, आपको जो इंक्वायरी करनी है प्लीज़ करिए, बट ऐसे लोगों को अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट देंगे, तो ये जो मेरा उदाहरण है ना, ऐसे बहुत रोज खुलेंगे, क्योंकि वो शख्स एक साथ 10-12 सेट किया हुआ है एक साथ, इससे मुझे 10 दिन में पता लगा, ये माता रानी का बोलते ना सिग्नल था, इस सब ना नवरात्रि में ही सब पोले खुलनी थी। तू तो मतलब 60 साल का आदमी, तू तो जवान लड़कों को फेल कर दिया यार। लड़कों को लड़कियां शादी के लिए नहीं मिल रही है, देखो सो मिलते हैं सहारनपुर में, सहारनपुर की मीडिया प्लीज, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, तो आप लोग एनलॉग के चक्कर में मत जाइए। जब योगी जी बुलडोजर बाबा अपराधियों पे बुलडोजर चला सकते हैं, तो
तो जो मेरे जैसी सिंगल मदर की फीलिंग के साथ खेलने वालों के साथ क्या कर सकते हैं? सोचें, कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो वो करेंगे ना। मैं ऐसे ही अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे वीडियो टैग कर रही हूँ क्या? अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर बात की बात है, लेकिन मुझे भरोसा है वो करेंगे करेंगे। लिटरली तीसरा दिन है और फ्रेंड्स मुझे 62 आवर्स हो गए, 62 घंटे हो गए। मेरी आंख ऐसे भी नहीं हुई है, ऐसे भी नहीं हुई है, मैं इतना रोई हूँ। अभी भी आंखें एकदम ऐसी है, ऐसा हो ही नहीं रहा, और मुझे ना ब्लरी ब्लरी दिख रहा है। और फिर मुझे लगा कि मे भी मैं चश्मा नहीं लगाई हूँ, तो फिर मैंने अपना नंबर वाला चश्मा लगाया तो भी मुझे ब्लर दिख रहा है, और मुझे हेडेक पूरा पकड़ लिया है। यहाँ पे नसें फट रही है, बहुत तकलीफें हो रही है मुझे। ये देखो, मुझे मैं ही धुंधली दिख रही हूँ, मुझको मैं खुद ही धुंधली दिख रही हूँ। बताओ, मतलब ये बात है कि जब स्ट्रेस मेरा जाएगा तो आंखें मेरी नॉर्मल होगी। सो प्लीज साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, यहाँ कर्मा आपको काम आएगा। ये कुछ दिन का ही होता है, फिर वो खत्म होता है। सुपनीत, मैंने तुम्हें मॉर्निंग में एक चांस दिया था, बहुत रोई थी, कहा था कि चल तेरे जो पंटर है 4 लोग, जो तेरे प्राइवेट लोग हैं जिनको तेरे सारी चीज़ें पता है, एक बार उनको तू बता तो दे कि तू किस टाइप का आदमी है। तो तू बोला नहीं बताऊंगा, उनको मुझे बताना नहीं है, तेरे को इंसल्ट सी फील हुई। तो अब ये चीज़ अच्छी लग रही है कि सब समाज के सामने आ रही है, तुझे अच्छी लग रही है? तुझे अच्छे लग रहा है? तू ऐसी इसी सपना को बहुत प्यार करता था ना, तेरी केयर करती थी, तेरी यहाँ से केयर करती थी, खाना से लेके एवरीथिंग केयर की मैंने। तुझे भी देख लेंगे भगवान। देख, मेरे घर पे गणेश जी भी हैं, क्योंकि मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ और बचपन से मैं हिंदू धर्म फॉलो की हूँ। देख, और मैंने हिंदू से शादी की है। मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप गूगल अच्छे से कर सकते हो। प्लीज़, अगर नहीं योगी जी, प्रार्थना है आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है मुझे इंसाफ मिलेगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बच्चा है, मेरा काम है, मेरा सोशल मीडिया है, ईच एंड एवरीथिंग है। मैं ऐसे नहीं करती, ऐसे करती हूँ, ऐसे मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जिसने मुझसे खेला है उसको आप मत छोड़िए, बस मुझे यही चाहिए। उठा के फेंकिए, वहाँ से उठा के फेंकिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, गुड नाइट।